केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बेटा द टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन द इलेक्ट्रिकल करंट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक ऐसा सेल कि जिसमें हमने जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया होता है, जिस तरह से ये डायग्राम में आपको जो है वो नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास एक सेल है। ये सारा जो है वो इस सेल के अंदर देखें कि अब हमने जो है वो एक सॉल्यूशन लिया हुआ है, जैसे कि ये ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है ये सॉल्यूशन है। इसको जो है वो हमने दो इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए, एक नेगेटिव वाला एक पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला जो है उसको कैथोड का नाम देंगे, पॉजिटिव वाला जो है उसको एनोड का नाम देंगे, ठीक है। इसको बेटा हमने अटैच करवाया हुआ है विद द बैटरी। बैटरी के साथ जैसे ही हम लोग इसको अटैच करवाएंगे तो इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो इसके अंदर से फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। जैसे ही इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो इसके अंदर से फ्लो करेगी बेटा, तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जो भी चीज़ मौजूद है इसके अंदर से ये रिएक्शन जो है वो पास होगा। रिएक्शन पास होगा बेटा तो इसके अंदर मौजूद जो चीज़ है, जो केमिकल है, वो अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड होने का मतलब ये है कि नेगेटिव पार्ट्स हैं वो उसके वो अलहदा हो जाएंगे और पॉजिटिव पार्ट्स हैं वो उसके अलहदा हो जाएंगे। जो नेगेटिव पार्ट्स हैं बेटा वो पॉजिटिव की तरफ यानी कि एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और जो पॉजिटिव पार्ट्स हैं बेटा वो नेगेटिव की तरफ यानी कि कैथोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ऐसा रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है कि जिसमें हमारे पास एक मोल्टन स्टेट के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के साथ हमने जो है वो दो वायर्स लगा के, बैटरी लगा के, तो दो इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं, और जैसे ही हम लोग जो है वो बैटरी को ऑन करते हैं तो उसके अंदर से जो है वो करंट पास होना स्टार्ट हो जाती है। करंट के पास होने की वजह से इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जो भी चीज़ मौजूद होगी बेटा वो अपने नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट्स में अलग होना स्टार्ट हो जाएगी। जो पॉजिटिव वाला रीजन है वो इस नेगेटिव के ऊपर आके अटैच होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो नेगेटिव वाला रीजन है वो इस पॉजिटिव की तरफ आना जो है वो शुरू कर देगा, ठीक है, आना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। एक ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद नहीं होता, बल्कि उसको करवाने के लिए जो है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ती है, उस रिएक्शन को हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब बेटा ये जो प्रोसेस हो रहा होता है इसमें हम लोग जो सॉल्यूशन देते हैं उसको हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का नाम देते हैं, और इस सारे के सारे प्रोसेस को जो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हो रहा है उस प्रोसेस को हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस का नाम देते हैं, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इन टू इट्स कंपोनेंट्स बाय पासिंग द करंट थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड और इन द मोल्टन स्टेट ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। वो कहता है कि एक ऐसा प्रोसेस कि जिसमें हम लोग किसी भी कंपाउंड को, किसी भी कंपोनेंट के किसी कंपाउंड को उसके पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं बाय पासिंग द करंट फ्रॉम इट, ठीक है। मतलब ये है इसका कि फॉर एग्जांपल इस मोल्टन स्टेट के अंदर जो है वो हमने NaCl लिया हुआ है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, जिसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। जैसे ही ये सोडियम क्लोराइड जो है वो इसके अंदर हम लोग डालेंगे तो वो मोल्टन स्टेट में चला जाएगा, और जब इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से पास करवाएंगे बेटा तो उसका जो सोडियम पार्ट है, जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, वो अलग हो जाएगा, और जो क्लोराइड वाला पार्ट है, जो नेगेटिव वाला पार्ट है बेटा, वो अलग हो जाएगा। नेगेटिव वाला जो है वो एनोड की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, जो पॉजिटिव वाला है वो कैथोड की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन को जो है वो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का नाम देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस का नाम देते हैं इस प्रोसेस को, और इस सेल को जो है वो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का नाम देते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हैं जी डाउन सेल एंड नेल्सन सेल, ये शॉर्टकट सेल भी याद रखिएगा। डिफाइन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, डिफाइन द इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जी ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो उसमें बेसिकली ये तीन चीज़ें ही मौजूद होती हैं, एक बैटरी होती है, ठीक है, जैसे ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, एक बैटरी होती है जी, एक सोल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है, और दो जो है वो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, एक नेगेटिव वाली साइड पे, एक पॉजिटिव वाली साइड पे, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड एंड या कैथोड दैट आर डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर डिप हुए होते हैं एंड कनेक्टेड टू द बैटरी, बैटरी के साथ कनेक्ट हुआ होते हैं। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड एनोड, जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है बेटा उसका नाम है एनोड है, और वो इलेक्ट्रोड जो कि नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है उसका नाम क्या है, कैथोड। तो ये आपने जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में याद रखना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, एंड व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।